हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हमारे पास कई सारे पैराग्राफ हैं और उन सारे पैराग्राफ पर हमें एक साथ बॉर्डर लगाना है, लेकिन अलग अलग पैराग्राफ के लिए अलग अलग बॉर्डर होना चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे। बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। आज का ये वीडियो है सवाल के जवाब में, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास ये टोटल 5 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। तो अब अगर इन सब पे हमें बॉर्डर लगाना है, लेकिन हर पैराग्राफ के लिए अलग अलग बॉर्डर लगाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको जाना है ऊपर के रिबन में होम टैब में। ये रहा होम टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। राइट साइड में चलिए, यहाँ पैराग्राफ वाले कॉलम में ये देखिए, यहाँ पर आपको मिलता है बॉर्डर का ऑप्शन, ठीक है। ये देख रहे हैं, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। यहाँ पर हमको क्लिक करना है ऑल बॉर्डर पे, ठीक है। बस जैसे ही आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हर पैराग्राफ के लिए अलग अलग बॉर्डर एक साथ आ गया।